हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कर्सिव अल्फ़ाबेट्स पर वीडियो बनाने की, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट कर्सिव लेटर, और आज की वीडियो में हम स्मॉल लेटर देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और कि जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन कमेंट करके पूछते हैं तो पहले वीडियो को वॉच कर लें तभी कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं जो बिना वॉच किए कमेंट करते हैं तो कमेंट स्पैम हो जाता है, यानी कि उनका कमेंट मुझे नोटिफिकेशन में तो दिखाई देता है लेकिन जब मैं उसे ओपन करती हूँ तो वो ओपन नहीं होता, और जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो इसलिए पहले वीडियो को वॉच करें उसके बाद कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कर्सिव अल्फ़ाबेट्स जब भी आप लिखना सिखाएं तो पहले कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करवाएं। इससे क्या होगा कि जो लेटर फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा और हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रोक्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करानी है। तो ये हैं कुछ स्ट्रोक्स जिन्हें आपको प्रैक्टिस कराना है और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं लेटर फॉर्मेशन के लिए। अगर आप इनकी पहले प्रैक्टिस करा लेते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी आएगी और लेटर फॉर्मेशन भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से कर्सिव लेटर्स लिखते हैं। Thank you.
कर्सिव राइटिंग लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बीच में अपना पेन नहीं उठाना। आप जो भी लेटर या फिर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो जब वो कंप्लीट हो जाए तभी पेन उठाइए, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये थी स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।